राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। जनवरी 2007 की बात है, सेना ने बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ही भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद थी। सेना ने देश को चलाने के लिए बांग्लादेश के नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की। हालांकि यूनुस इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट गए। 17 साल बाद बांग्लादेश में फिर राजनीतिक उथल पुथल मची है। शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई है। अब अंतरिम सरकार चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं मोहम्मद यूनुस पर आई है, जिन्होंने 17 साल पहले प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया था। इस बार यूनुस ने प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। वे अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर होंगे। यूनुस का नाम आने के बाद पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। यूनुस कोई अनजान शख्स नहीं है, उन्हें गरीबी मिटाने का जरिया बनने के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।